दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन का मंच सज चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समिट में 11 से 13 जून तक हिस्सा लेंगे, तो वहीं भारत के पीएम मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअली जुड़ेंगे। बता दें कि इस सम्मेलन में महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण जैसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के लिए कई बड़े ऐलान होने की भी संभावना है। कुलभूषण मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के संबंध में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण यादव को अपील का अधिकार देने के लिए एक विधेयक को पास कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले ने नेशनल असेंबली को प्रभावी समीक्षा और पुनः विचार करने का निर्देश दिया था। बता दें कि 2020 में इमरान खान सरकार ने विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद कुलभूषण यादव के मामले में ICJ के फैसले के मद्देनजर नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पेश किया था। देश में माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर बैन लगाने के बाद नाइजीरियाई सरकार ने भारत के कू ऐप को शुरू करने की अनुमति दे दी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के एक पोस्ट को हटाने से नाराज सरकार ने देश में ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है। हालांकि नाइजीरिया की सरकार का कहना है कि ट्विटर ने उन मसलों को सुलझाने के लिए संपर्क किया है जिसकी वजह से उसे दक्षिण अफ्रीका में बैन कर दिया गया है। दुनिया भर में कई लाख बच्चे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और वो बाल मजदूरी का शिकार हो रहे हैं। वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में 84 लाख से ज्यादा बच्चे बाल श्रम में धकेले गए। बढ़ते आंकड़ों ने बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाओं और तमाम देशों के बीच चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 दशक में बाल श्रम की दर में तेजी से वृद्धि आ रही है। दुनिया में कोरोना के मामले 17,52,00,000 के पार पहुंच गए। अब तक 37,78,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 15,88,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन को खरीद कर अन्य देशों को दान करेंगे। इस बात का खुलासा खुद US मीडिया ने ही किया है। माना जा रहा है कि बाइडेन ये कदम उस समय उठा रहे हैं जब दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की कमी चल रही है, जिससे गरीब देशों को मदद मिल सके। ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाए जाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। पूरे ऑस्ट्रेलिया में अब तक ऐसे सिर्फ 2 ही मामले सामने आए हैं। दरअसल 52 साल की महिला के दिमाग में वैक्सीन लगाने के बाद खून का थक्का जम गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बहरीन में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाए जाने के बाद कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। लोगों ने सड़कों पर निकल के विरोध प्रदर्शन किया और लोगों ने बहरीन के राजा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।